Hello learners, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita and आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वील बी रिज्यूमिंग विद आर इंडियन पीनल कोड रिविजन. तो आज ये हमारा पार्ट थ्री सेशन है इंडियन पीनल कोड रिविजन का. लास्ट सेशन में हमने 106 सेक्शन तक डिस्कस कर लिया था, जहां पे हमने प्राइवेट डिफेंसेस का जनरल एक्सेप्शन का जो पार्ट है वो कवर कर लिया था. आज वील बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5. हाई वैशाली, वेरी गुड इवनिंग. सो आज हम 107 जो सेक्शन है आपका, जहां पे अबेटमेंट के बारे में आपको बताया गया है, तो वहां से आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, प्लीज मेक श्योर अगर आपने अभी तक हमारे साथ इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए. ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हो प्लीज कनेक्ट, सो दैट जो भी वीडियोज आपके लिए लाए जा रहे हैं, हाय श्रुति, हाय विशाल, जो भी वीडियोस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रहे हैं एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन फॉर द डे. ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द रिवीजन, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने पिछले सेशन में भी बताया था. हाय सूफी, हाय रंजना. तो देखो, बहुत सारे एग्जाम्स की आपके नोटिफिकेशन अनाउंस की गई है. अभी पंजाब आया है, छत्तीसगढ़ भी आया था, और अगले एक दो महीने में और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन, जिनकी वैकेंसी आपको जो है वो बताई जाएगी. तो वहां पे प्लीज मेक श्योर कि अभी से हमको प्रिलिम्स और मेंस के लिए तैयारी करके चालू रखनी है. ठीक है, वी हैव टू कवर अप, हमको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है. तो स्टडी आईक्यू में विच एवर स्टेट, जो भी आपका टारगेट है, कोई सा भी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, कुछ भी हो, तो सारे स्टेट्स के स्पेसिफिक आपको कोर्सेज जो है वो यहाँ पे दे दिए जाएंगे. हर स्टेट में जो भी आपका लॉ पूछा जा रहा है, वो मेजर हो, वो माइनर हो, या वो आपके लोकल लॉज हो, सारे ही लॉज आपको इसमें कवर करवाए जाते हैं. मेन्स की स्पेसिफिक आंसर राइटिंग आपको दे दी जाएगी. प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इसमें इंक्लूडेड. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर आउट दीज कोर्सेस अगर आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो. ओके, चलो बिफोर वी स्टार्ट, आई होप एवरीबॉडी इज रेडी. बेयर एक्ट के साथ, एक नोटबुक के साथ और एक पेन पेंसिल के साथ बैठना. आज के भी इस सेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क कराऊंगी, जो भी बेयर एक्ट में आपके प्रोविजंस हैं उसमें जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एंड साथ ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं प्रिलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही, वो सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. अब देखो, सेक्शन नंबर 107 से वी आर स्टार्टिंग. 107 से आपको बताया है किस बारे में, अबेटमेंट के बारे में आपको बताया गया है. ठीक है, 107 में तीन तरीके बताए हैं आपको अबेटमेंट करने के. पहला क्या होता है, पहला है आपका इंस्टिगेशन. इंस्टिगेशन यानी कि रंजना पॉल जी हैं. ठीक है, तो मैंने रंजना पॉल जी को बेसिकली बोला कि चलो जाते हैं. मैंने रंजना पॉल जी को बोला कि सामने वाले को जो है वो खत्म कर दो, आपको सामने वाला वैसे ही पसंद नहीं है, आपको इतनी नफरत है उससे. ठीक है, तो एक काम करो, जाके सामने वाले को खत्म कर देते हैं. दिस इज वॉट, दिस इज अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. अर्ज कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो सामने वाले को कोई ऑफेंस करने के लिए. दूसरा तरीका क्या दिया है 107 में, दैट इज योर कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी यानी कि मिलकर आप किसी तरीके की कंस्पायर कर रहे हो किसी ऑफेंस को करने के लिए, और फिर उस ऑफेंस पे, यानी जो कॉन्स्पिरेसी आपने की है उस पे जाके किसी तरीके से एक्ट भी कर रहे हो. ठीक है, अपनी उस कॉन्स्पिरेसी, अपने उस ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो दैट इज योर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. तीसरा आपका क्या दिया है, इंटेंशनल एडिंग. तो इंटेंशनल एडिंग कुड बी व्हाट, कि मैंने रंजना पॉल जी को बोला कि ठीक है आप जाके मर्डर करके आओ, मैं बाहर जो है वो मैं पहरा दे रही हूं कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई आपको पकड़ने तो नहीं आ रहा, वो मेरी गारंटी है, आप जाओ जल्दी से मर्डर का ऑफेंस करके आओ. दैट इज एडिंग. ऑफेंस होने के पहले, कमीशन होने के पहले, या ड्यूरिंग जब आपको ऑफेंस किया जा रहा था, किसी भी तरीके से आप सामने वाले की मदद कर रहे हो, दैट इज अबेटमेंट बाय एडिंग. ठीक है, अच्छा, नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग 107 में एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? अबेटमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस लॉ है. प्रिलिम्स में भी आता है, मेंस में भी अगर अबेटमेंट का कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये केस लॉ तो आपको लिखना ही पड़ेगा. किसी को पता है व्हाट्स द नेम ऑफ दैट केस लॉ? एनीवन जल्दी. बहुत सिंपल सा केस है यार, याद रखने का तरीका भी इट्स वेरी सिंपल. किसी को नहीं याद है केस लॉ? ठीक है, केस लॉ जो आपको ध्यान रखना है दैट इज क्वीन वर्सेस मोहित का जो आपका केस है.
ठीक है, क्वीन वर्सेस मोहित का केस ध्यान रखना है. नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वीन वर्सेस मोहित का केस. क्वीन वर्सेस मोहित के केस में क्या होता है, एक लेडी होती है, सती करने जा रही थी, ठीक है, एक तरीके से सुसाइड ही बोल सकते हैं, इनका पति मर गया था तो ये भी सती परफॉर्म करने के लिए जा रही थी. आसपास जितने लोग इस महिला के खड़े हुए थे वो लोग राम राम इस तरीके से बोल रहे थे, यानी कहीं ना कहीं वो महिला जो सती परफॉर्म करने जा रही थी, जो एक्ट परफॉर्म करने जा रही थी, उसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उसको इनकरेज कर रहे थे. तो ये आसपास जितने लोग आपके खड़े हुए हैं ये लायबल माने गए थे किस चीज के लिए, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए, ठीक है. तो एक तो क्वीन वर्सेस मोहित का केस ध्यान रखना है. दूसरा केस है आपका प्रमथ राज, ठीक है, सॉरी प्रमथ नाथ वर्सेस सरोज रंजन, ठीक है, सरोज रंजन ये आपका दूसरा केस है दैट यू शुड नो, ठीक है. तो क्वीन वर्सेस मोहित का केस ध्यान रखना, दैट रिलेट्स टू अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. और प्रमथ नाथ वर्सेस सरोज रंजन का जो केस है वो किस चीज से डील करता है, वो डील करता है आपके अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी से. अब इसमें एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मेंस में, आपके मेंस में काफी बार यहां से क्वेश्चन बनता भी है. देखो कॉन्स्पिरेसी की बात आईपीसी में दो जगह की गई है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी भी दिया हुआ है और आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B में भी दिया हुआ है. यहां पे काफी बार स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस क्या है. देखो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का आपका डिफरेंस ये है, लेट्स से आयुष, शिवम और मैं हैं, ठीक है, हम तीन लोग हैं. मैंने शिवम ने आयुष को बोला कि यार हमें क्या करना है, हमें एक्स पर्सन का जो है वो, हमें एक्स पर्सन की डेथ जो है वो कॉज करनी है. हम मारेंगे कैसे एक्स को, हम एक्स को मारेंगे जहर देके, पॉइजन देके, ठीक है. आयुष ने बोला डन, जहर देके मारेंगे. उसके बाद शिवम ने आयुष को बोला एक काम करो, अर्जिता के पास जाओ और अर्जिता को बोलना कि जाके वो जहर लेके आए, ठीक है, जहर वो लेके आएगी, जहर जो है वो दूंगा मैं. अब यहां पे देखो हो क्या रहा है, तीनों लोगों को यह पता है कि हाँ हम किसी पर्सन की डेथ कॉज कर रहे हैं जहर देके. यहां पे हमने एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी भी की है, लेकिन तीनों लोगों ने साथ में बैठ के यहां पे कॉन्स्पिरेसी नहीं की है. शिवम है, शिवम ने आयुष को बोला हमें इस पर्सन को मारना है, जहर देके मारना है, ठीक है. आयुष मेरे पास आके बोलते हैं कि हमें जहर चाहिए, हमें किसी पर्सन की डेथ कॉज करनी है. किसकी डेथ कॉज कर रहे हैं, जहर कौन देने वाला है, ये मुझे नहीं पता है यहां पे, ठीक है. तो यहां पे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी इज व्हाट, यहां पे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, किसी पर्सन की आप डेथ कॉज कर रहे हो, आपने किसी चीज को करने का कॉन्स्पायर किया है, लेकिन सारे जो है वो साथ में बैठ के यहां पे कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे हैं. वहीं 120A 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो बात की गई है, वहां पे क्या होता है, वहां पे सारे के सारे बैठ के किसी तरीके से प्लानिंग करते हैं, सारे के सारे इक्वली जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर. तो ये एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सारे सबके सब बराबरी से कनेक्टेड होंगे, सबने साथ में बैठ के डिस्कशन किया होगा, प्लानिंग की होगी. अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में ऐसा नहीं होता है, कॉन्स्पिरेसी की गई है बट सबने साथ में बैठ के नहीं की है, अलग अलग इंडिविजुअली की है, ठीक है. इसके बाद सेक्शन नंबर 108 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अबेटर के बारे में यहां पे आपको बताया है, ठीक है. अब अबेटर में इसमें 108 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है. एक्सप्लेनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो पहला एक्सप्लेनेशन आपको यह बताया है कि अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस although the abettor may not himself be bound to do that act, ठीक है. यहां पे explanation one आपको ये बताता है कि आप जिस चीज का abettment कर रहे हो वो क्या है, कोई person किसी चीज को करने के लिए legally bound है, ठीक है, उसकी कोई duty है किसी चीज को करना, किसी public authority की, किसी public servant की, और आपने उसको वो duty नहीं करने दी, आपने illegal omission यहां पे करवाया है. duty bound आप नहीं थे, जो abettor है उसकी duty नहीं थी, duty किसी और की थी. हाँ आयुष गुड इवनिंग, देख लिया मैंने, ठीक है, ड्यूटी किसी और की थी, आपने उसको वो ड्यूटी यहां पे नहीं करनी दी, तो ये आपका क्या माना जाएगा, ये भी आपका एक अबेटमेंट माना जाएगा, ठीक है. दूसरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं सेक्शन 108 के अंदर. देखो दूसरा एक्सप्लेनेशन आपका ये बोलता है, जल्दी से क्वेश्चन सुन के आंसर करना, दैट इज ऑल योर एक्सप्लेनेशन टू इज अबाउट. आयुष मेरे पास आया और आयुष ने मेरे पास आके बोला कि मैम एक काम करो, जाके जितेंद्र मीना का जो है वो मर्डर कर दो. मैंने मर्डर करने से मना कर दिया, क्या आयुष को अबेटमेंट की सजा होगी या नहीं होगी, फटाफट आंसर करो. क्या आयुष लायबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्या आयुष को हम जाने देंगे या आयुष फिर भी अबेटमेंट के लिए लायबल होगा. वो मुझे अबेट करने के लिए आया, उसने मुझे इंस्टिगेट किया कि मैं जितेंद्र मीना का मर्डर कर दूं, मैंने मर्डर करने से मना कर दिया,
एब्सोल्युटली लायबल होगा. यही सेम क्वेश्चन आपसे प्रिलिम्स में भी पूछा जाता है काफी बार, एक्सप्लेनेशन टू के ऊपर, ठीक है, कि अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए लायबल होने के लिए यह चीज जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को अबेट करने के लिए गए, वो अबेट नहीं हुआ, उसने ऑफेंस करने से मना कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लायबल माने नहीं जाओगे, ठीक है. एक्सप्लेनेशन टू एक और चीज बोलता है कि यार आप तो करवाने चले थे मर्डर, ठीक है, मैंने जितेंद्र मीना जी को बोला कि एक काम करो जाके शिवम का मर्डर कर दो, ठीक है. जितेंद्र मीना गए शिवम का मर्डर करने के लिए, लेकिन शिवम का मर्डर ही नहीं हुआ, ठीक है, शिवम रिकवर कर गया, शिवम बच गया वहां पे, ठीक है. अगेन द क्वेश्चन कम्स कि क्या मैं अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होंगी, क्योंकि मैं जो इफेक्ट जो कॉन्सिक्वेंस देखना चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं. मैं चाहती थी मर्डर हो, मर्डर का इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस तो मुझे देखने को ही नहीं मिला यहाँ पे. अगेन एक्सप्लेनेशन टू सेज कि अबेटर यहाँ पे भी आपका लायबल माना जाएगा. तो सामने वाला जो अबेटमेंट आप जिस चीज का कर रहे हो, वो एक्ट हुआ हो या ना हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता. आप जो इफेक्ट देखना चाह रहे थे वो इफेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. ये एक्सप्लेनेशन टू में ध्यान रखना, ठीक है. एक्सप्लेनेशन थ्री, चलो फटाफट से आंसर करो. श्रुति त्रिपाठी एक 6 साल की लड़की है. मैंने श्रुति को जाके इंस्टिगेट किया कि जाके शिवम पांडे का आपको मर्डर करना है. श्रुति गई और श्रुति ने जाके शिवम पांडे का मर्डर कर दिया. श्रुति एक 6 साल की छोटी लड़की है, क्या मैं अबेटमेंट के लिए लायबल होंगी, यस और नो, जल्दी से आंसर करो. क्या मैं अबेटमेंट के लिए लायबल मानी जाऊंगी, यस और नो, यस, ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन थ्री भी आपको यही बोलता है कि भाई अबेटर ने किसी ऐसे पर्सन को अबेट किया है जो शायद लॉ के अंदर केपेबल ही ना हो क्राइम करने के लिए. वो शायद लॉ के अंदर इनकेपेबल है कि वो मेंस रिया इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकता, ठीक है. जितेंद्र मीना जी एक अनसाउंड माइंड के पर्सन को जाके इंस्टिगेट कर रहे हैं किसी का मर्डर करने के लिए, ठीक है. जितेंद्र मीना किसी 5 साल की लड़की को इंस्टिगेट कर रहे हैं किसी का मर्डर करने के लिए. अब ये सारे लोग तो केपेबल ही नहीं माने जाते हैं लॉ के अंदर कोई ऑफेंस करने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि जितेंद्र मीना अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे. बिल्कुल सही, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, जो श्रुति है 6 साल की लड़की है, उनके ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं आनी, लेकिन हम लायबल हो जाएंगे यहां पे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए, ठीक है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन फोर, तो वही बहुत ही लंबी सारी चेन, ठीक है. ए बी को बोलता है कि तू जाके सी को बोल कि हमें डी का जाके मर्डर करना है. तो यहां अबेटमेंट का भी क्या किया जा रहा है, अबेटमेंट किया जा रहा है, ठीक है. उस चीज के लिए भी अबेटमेंट के लिए और अबेटमेंट के लिए भी आप रीजन यहां पर आप गिल्टी, आप लायबल जो है वो माने जाओगे, ठीक है. उसके बाद 108A उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 109, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड व्हेन नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट. 109 में एक लाइन है जो अपने अपनी बेयर एक्ट में मार्क कर लो, विच इज पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ठीक है. देखो 109 का मतलब यह है, आपने किसी ऑफेंस का अबेटमेंट किया, वो ऑफेंस जो है किसी भी ऑफेंस का आप अबेटमेंट कर रहे हो, किसी भी पर्सन को उकसा रहे हो कोई ऑफेंस करने के लिए, ठीक है. अब उस ऑफेंस के अबेटमेंट की कोई सजा नहीं दी हुई है आईपीसी के अंदर. आपने जिस ऑफेंस का अबेटमेंट करवाया है उस ऑफेंस के अबेटमेंट की सजा नहीं दी हुई है आईपीसी के अंदर, तो वहां पे आपको कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी. फिर आपको वही पनिशमेंट दी जाएगी जो आईपीसी के अंदर उस ऑफेंस की दी हुई है जिसका अबेटमेंट आपने किया है, ठीक है. यह आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 109 के अंदर, ठीक है. उसके बाद बाकी सारे सेक्शंस जो हैं वो उतने इंपॉर्टेंट रेलेवेंट नहीं है, इनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो. हम आएंगे सीधे डायरेक्टली आपके इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, विच इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में. 120A 120B, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखो बेसिकली होता क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है. वही मैंने जो डिफरेंस बताया, ठीक है. अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में आप सब बैठ के मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, बट हम अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, हम सब साथ में बैठ के डिस्कशन प्लानिंग नहीं कर रहे हैं. 120A 120B में दो या दो से ज्यादा लोग मिले, इनने बैठ के किया डिस्कशन, इन्होंने बैठ के किया प्लानिंग, इन्होंने बैठ के किया क्या, अग्रीमेंट, ठीक है. या तो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या फिर किसी लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करने के लिए, ठीक है. तो वो आपका क्या मान लिया जाता है, आप सीधे सीधे लायबल माने जाओगे सेक्शन नंबर 120B के अंदर, ठीक है. उसके बाद यहां पे दोनों पॉइंट्स, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. दो पॉइंट्स ये हैं, यहां पे दो बात की गई है, ठीक है. पहला तो है किसी इलीगल एक्ट को करना या फिर किसी लीगल एक्ट को करना किस तरीके से, इलीगल तरीके से, ठीक है. तो वहां पे
आप क्यों फंसाए जा रहे हो, आपके ऊपर क्यों लायबिलिटी यहां पे डाली जाएगी, क्योंकि आपने जो करना चाहा था वो तो लीगल था, लेकिन उस लीगल एक्ट को जो तरीका आपने चुना है करने का, जो एग्जीक्यूशन पार्ट जो आपने डिसाइड किया है करने का, वो क्या है, इल्लीगल तरीका है। तो जब आप लीगल एक्ट को इल्लीगल तरीके से एग्जीक्यूट करने जाओगे, इंप्लीमेंट करने जाओगे, तब आप लायबल माने जाओगे कहां, 120 बी के अंदर। इसमें कुछ केस लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो आपका नलिनी एंड अदर्स का केस है, विच इज ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी असैसिनेशन केस, वो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट केस है, विच इज द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ये दो केसेस आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 121 पर, ठीक है। 121 से भी आपके काफी बार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो भाई कोई भी पर्सन क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप वॉर वेज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी को अबेट कर रहे हो सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी वॉर करने के लिए, तो आपको वहां पे क्या, डेथ की पनिशमेंट हो सकती है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, प्लस आपके ऊपर फाइन भी वहां पे लगाया जाएगा। सो दैट इज योर 121। उसके बाद 124 ए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से। एक तो ये सेक्शन ऐसा है जो कि रीसेंट पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों के ऊपर डाला गया है। आपका दिशा रावी का केस हो गया, उसके पहले भी बहुत सारे लोग हो गए, तो सेडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला भी है कि सरकार को अभी क्या करना है, वापस से सेडिशन को रिकंसिडर करना है, क्योंकि कॉलोनियल जमाने का ये एक लॉ है, रूल जो है आपने बना के रखा है, जो शायद उस टाइम पर रेलेवेंट था, लेकिन आज ये रेलेवेंट है कि नहीं है वो हमको रिकंसिडर करना है। तब तक सेडिशन के अंदर कोई भी केस फाइल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 124 ए जब भी आप पढ़ रहे हो, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें मार्क कर लो जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक वर्ड तो है हेट्रेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं 124 ए में। हेट्रेट, कंटेम्प्ट, एक्साइट, ठीक है, अटेम्प्ट्स टू एक्साइट, डिसअफेक्शन, ये सारी चीजें आप लाने की कोशिश कर रहे हो किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कि एस्टैब्लिश्ड है बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके से नफरत, हेट्रेड अगर आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज योर सेडिशन का ऑफेंस, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन वन बहुत इंपॉर्टेंट है 124 ए का, वो मार्क कर लेना कि डिसअफेक्शन का मतलब क्या होता है। डिसअफेक्शन का मतलब है डिसलॉयल्टी या फिर एनमिटी, दुश्मनी, ठीक है, नफरत, हेट्रेड, ये सारी फीलिंग्स जो है वो पैदा करने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें हाँ बिल्कुल सही, उसी पॉइंट पे मैं आ रही थी। इसमें जो केस लॉ आपको ध्यान रखना है, दैट इज द लैंडमार्क केस, दैट इज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है आपका ये, तो 124 ए में रिमेंबर दिस केस। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 141 के ऊपर, ठीक है। बीच के जो सेक्शंस हैं वो उतने रेलेवेंट, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन नंबर 141, अनलॉफुल असेंबली के बारे में आपको बात किया गया है, ठीक है। कितने लोग चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए, फटाफट बताओ, व्हाट इज द एसेंशियल पॉइंट ऑफ सेक्शन नंबर 141, अनलॉफुल असेंबली कितने लोग चाहिए होते हैं। यस, इसी केस को चैलेंज किया गया है रिसेंटली, 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो 141 में आपको बोला है, पहले तो 141 में आपको कितने लोग चाहिए, 5 और 5 और मोर लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये 5 और 5 से ज्यादा लोगों ने क्या करा होना चाहिए, ये 5 और 5 से ज्यादा लोगों ने क्या करा होना चाहिए, फाइव और मोर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 5 और 5 से ज्यादा लोगों ने क्या करा होना चाहिए। यस, ठीक है, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव है आपके जो दिए हुए हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल लो, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट्स आपके कुछ दिए हुए हैं, तो ये 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलके इन 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ अगर किस कोई भी एक्ट करने की कोशिश की है, तो वो आपका क्या माना जाता है, अनलॉफुल असेंबली माना जाता है। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव ध्यान आपको कैसे रखने हैं, तो देखो कॉमन ऑब्जेक्टिव देखो सेक्शन 141 में जो आपको दिए हुए हैं, नोटिस करो जो सबसे पहला और दूसरा कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको ऐसे ध्यान रखना कि जो फर्स्ट और सेकंड कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो बात कर रहा है कि जब आप स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो सबसे पहला और दूसरा कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो बात कर रहा है स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्ट या कोई ऑफेंस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है।
जो थर्ड और फोर्थ कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो बात कर रहा है जब आप किसी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई एक्ट या ऑफेंस कर रहे हो, थर्ड और फोर्थ वाला कॉमन ऑब्जेक्ट। और फिफ्थ वाला कॉमन ऑब्जेक्ट किसके अगेंस्ट बात करता है, किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई एक्ट यहां पे किया जाता है। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव को एक बार कॉमन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव वो क्या बात कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हो, सरकार के अगेंस्ट जो है फोर्स यूज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई फोर्स यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बात आती है आपके स्टेट की। दूसरा वाला जो है, आप किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को, किसी भी लॉ का जो प्रोसीजर है, कोई भी लीगल प्रोसेस जो है उसमें इंटरफेरेंस, उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो, अगेन कहीं ना कहीं स्टेट की बात आ जाती है, ओके। तीसरा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मिस्चिफ, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रक कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर कर रहे हो, घुस रहे हो वहां पे किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा रहे हो, ठीक है, वो है आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिमिनल फोर्स को यूज करके किसी की प्रॉपर्टी आप फोर्सफुल तरीके से ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी का ईजमेंट का राइट आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारे आपके प्रॉपर्टी के इंटरफेरेंसेस हैं, ठीक है। और पांचवा आपका क्या है, क्रिमिनल फोर्स यूज करके आप किसी पर्सन को कंपेल कर रहे हो कोई चीज करने के लिए जो या तो उसे नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर कोई लीगली बाउंड है किसी चीज को करने के लिए तो आप वो उसे नहीं करने दे रहे हो, ठीक है। तो पांचवा जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं किसके अगेंस्ट है, आपके पर्सन के अगेंस्ट है, ओके। इसके बाद 146 इंपॉर्टेंट है, रायटिंग से भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 146 आपका क्या है, 146 को ऐसे ध्यान रखो कि जब भी अनलॉफुल असेंबली क्या हो जाए, वायलेंट हो जाए, ठीक है, जब भी अनलॉफुल असेंबली में आपका वायलेंस जुड़ जाता है, जब भी अनलॉफुल असेंबली आपकी वायलेंट हो जाती है वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है राइट, ठीक है। तो 146 में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा अगर फोर्स यूज किया जा रहा है, अगर वायलेंस यूज किया जा रहा है किसी भी मेंबर के द्वारा, क्या चीज करने के लिए, जो पांच कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से किसी भी पांच ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर आप फोर्स या वायलेंस यूज कर रहे हो तो वही अनलॉफुल असेंबली आपकी क्या बन जाएगी, राइटिंग के लिए लायबल हो जाएगी, ओके। 147 में पनिशमेंट देख लेना, पनिशमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है राइट का, 2 साल की जो पनिशमेंट है वो आपकी दी हुई है। उसके बाद 149 में, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन परसुएंस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 149 में आपको क्या बताया गया है, कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि अगर किसी भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के द्वारा क्या किया जाता है, अगर आप वो असेंबली अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के, जो आपके पांच कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनके फर्दरेंस में अगर कोई भी काम करती है, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हो जहां आपको पता था कि ये अनलॉफुल असेंबली वो पांच ऑब्जेक्टिव में से कोई सी भी चीज करने के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो हर वो पर्सन जो उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट था उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 153 देखो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 153 में आपको क्या दिया है कि 153A में ग्राउंड्स याद रखना, ठीक है, 153A में आपको ध्यान रखना है ग्राउंड्स के बारे में। आप एनमिटी, हेट्रेड, नफरत, दुश्मनी, ये सारी भावनाओं को पैदा करने की कोशिश कर रहे हो किस बेसिस पे, रिलीजन, धर्म के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ उसके बेसिस पे, रेजिडेंस और लैंग्वेज के बेसिस पे, इनमें से किसी भी बेसिस पे अगर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सोसाइटी में जो हार्मनी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जो पीस, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपका एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो तो आप 153A में लायबल मान लिया जाओगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 159 पे आ जाओ, ठीक है, 159 एफरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एफरे के लिए क्वेश्चन आंसर करो, मैं और जितेंद्र मीना जी एक कमरे के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, एक प्राइवेट प्लेस में मैं और जितेंद्र मीना जी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या ये एफरे माना जाएगा, विल दिस बी कंसिडर्ड एज एन एफरे, एक कमरे में, ठीक है, एक पब्लिक, एक प्राइवेट एरिया में जितेंद्र मीना जी और मैं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, पूरी गाली दे रहे हैं एक दूसरे को अच्छे से, क्या ये एफरे माना जाएगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं,
लड़ाई पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो रही, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज होना, पब्लिक को दिक्कत पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका अफ्रीका ऑफेंस बनने के लिए, ठीक है. तो 159 में आपको क्या दिया है, दो या दो से ज्यादा लोग, 159 के पॉइंट्स ध्यान रखो, ठीक है. दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस में झगड़ा करते हैं. तो पहले तो झगड़ा होना जरूरी है कहां पे, पब्लिक प्लेस के अंदर, जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा हो. अब इसको इस तरीके से देखो कि लेट्स से मैं और जितेंद्र मीना जी लड़ रहे हैं, पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हैं, कहीं पे कोने में खड़े होकर लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पब्लिक डिस्टर्ब ही नहीं हो रही है. पब्लिक को किसी भी तरीके से वहां पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंच रहा है. तो ये भी आपका एफरे नहीं माना जा सकता. तो ये सारे पॉइंट्स मीट होने चाहिए आपके लिए, विच इज कि दो या दो से ज्यादा लोग पहले तो पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हो और उससे पब्लिक को किसी तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा हो, इश्यूज पहुंच रहे हो, दिक्कत पहुंच रही हो, तब वो जाके आपका एफरे का ऑफेंस जो है वो बनेगा, ठीक है. उसके बाद ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सुन लो. बीच के जो आपके सेक्शंस हैं, ठीक है, अभी आफ्रे के बाद मैं सीधे कल्पेबल होमोसाइट पे आ रही हूं, इसलिए बीच के जो आपके कुछ सेक्शंस हैं उनको हम एकदम एंड में डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट सेशन होगा आईपीसी का, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके हैं नहीं, थोड़े ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले नहीं है. सो वी विल कवर दो सेक्शंस फर्स्ट जो आपके थोड़े हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले हैं. वो सेक्शंस मैं छोड़ नहीं रही हूं, आई एम नॉट स्किपिंग दो सेक्शंस, लेकिन उनको हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है. जो लास्ट सेशन होगा हमारा आईपीसी का, उसमें ये सारे थोड़े चिद्दे बिद्दे टाइप के जो सेक्शंस हैं वो हम उठा लेंगे, ठीक है. अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज योर कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर, ठीक है, वहां से चालू करते हैं. तो देखो, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, अब ये जो दो सेक्शंस हैं इनको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होती है, ठीक है. पहले तो एक बात बताओ, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन आंसर करो. कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? हाय दुर्गेश, वेरी गुड इवनिंग. प्रोबेबिलिटी का मर्डर अपने आप में कोई चीज है, मतलब मर्डर अपने आप में कोई अलग डिस्टिंक्टिव चीज है, या वो कल्पेबल होमोसाइड का एक पार्ट ही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. देखो, सबसे पहले तो यहां पे ये चीज समझने की कोशिश करो, होमोसाइड का मतलब क्या होता है. होमोसाइड का मतलब ये होता है टू कट अ ह्यूमन. होमोसाइड वर्ड का अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो मतलब ये होता है टू कट अ ह्यूमन, ठीक है. मर्डर अपने आप में कोई अलग से चीज नहीं है. मर्डर किसका ही पार्ट है? आपके कल्पेबल होमोसाइड का ही पार्ट है, उसी की एक स्पेशी है, ठीक है. अब कल्पेबल होमोसाइड या तो अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, या फिर कल्पेबल होमोसाइड आपका नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा. यही आपको दो 299 और 300 के अंदर में बताया हुआ है, ठीक है. अब इसको ध्यान कैसे रखना है, 299 और 300 में आप बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखोगे दोनों ही सेक्शंस के पहले पहले पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए चलो, ठीक है. देखो, 299 का जो पहला पॉइंट है वो क्या बात कर रहा है, सीधे सीधे आपके इस इंटेंशन के बारे में बात कर रहा है जहां पे आप डेथ कॉज करना चाहते हो, ठीक है. पहला जो पॉइंट है, ठीक है, वो सीधे सीधे बात कर रहा है, मैंने कोई ऐसा एक्ट किया जहां पे मैं क्या चाह रही हूं, मैं पूरी प्रोबेबिलिटी में चाह रही हूं कि मैं क्या कर दूं, सामने वाले की डेथ ही कॉज कर दूं. यानी मेरा इंटेंशन, मेरा नॉलेज यहां पे क्या है, ऐसा है, इतना स्ट्रांग है कि मैं पूरी इसी तैयारी के साथ गई हूं कि मेरे इस एक्ट से सामने वाले की डेथ होनी ही होनी चाहिए, ठीक है. वो बच जाए, वो ग्रीवियसली हर्ट हो जाए, वो रिकवर हो जाए, ये मेरा इंटेंशन है ही नहीं वहां पे. मेरा इंटेंशन यहां पे क्लियर है कि मुझे क्या करनी है, सीधे जाके डेथ जो है वो कॉज करके ही आनी है. यस, यानी मेरा डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या है, मेरा एक्ट यहां पे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग एक्ट होगा, क्योंकि मैं यहां पे पूरी कोशिश करूंगी कि सामने वाले की यहां पे डेथ कॉज हो जाए, ठीक है. दूसरा पॉइंट यहां पे क्या दिया है, 299 में, 299 में जो इंटेंशन आपको बताया है, दैट टॉक्स अबाउट कि आप सामने वाले को एक ऐसी बॉडीली इंजुरी पहुंचाना चाह रहे हो जिससे आप क्या चाहते हो, सामने वाले की डेथ हो जाए, ठीक है. ऐसी बॉडीली इंजुरी पहुंचाना जिससे सामने वाले की डेथ हो जाए, इसका एक बहुत ही इसको ध्यान करो, इससे रिलेटेड, इसी पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, आंसर करना, ठीक है. लेट्स से मुझे पता है कि वैशाली के सर में, वैशाली का जो सर है, वैशाली के सर का जो पीछे का पार्ट है, जो बैक एरिया है, वो थोड़ा क्या बोलना चाहिए, उसको कोई वहां पे
इश्यूज हैं, ठीक है, यानी कि मुझे ये पता है कि उसका ये वाला एरिया थोड़ा सॉफ्ट एरिया है, अगर मैंने उसके सर के पीछे बहुत जोर से मारा उसकी डेथ वहां पे कॉज हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ ये यहां फॉल करेगा या ये यहां फॉल करेगा, कौन से पार्ट में फॉल करेगा, ये यहां पे कि यहां पे? मुझे पता है कि सामने वाले को बॉडीली कोई इश्यू है, उसे एक ऐसा डिसीज है जहां पे सीधे अगर मैंने उसको अटैक किया, मैंने उसको उसी पार्ट पे अगर उसको हिट किया तो सामने वाले की तुरंत वहां पे डेथ होगी। कौन से वाले में जाएगा वो? लाइकली टू कॉज डेथ में जाएगा, ठीक है। बॉडीली आप उसको एक ऐसी बॉडीली इंजुरी कॉज कर रहे हो जिससे आप चाहते हो कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाए, और आपको पता है कि उसे वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया पे बॉडीली इंजुरी पहुंचाओगे तो उसकी डेथ वहां पे होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका कौन सा, सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसका देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन वन भी अगर आप देखोगे, एक्सप्लेनेशन वन में भी आपको यही बताया है कि आप किसी सामने वाले पर्सन को एक ऐसी बॉडीली इंजुरी पहुंचा रहे हो। सामने वाला पर्सन क्या है, सामने वाले पर्सन के बॉडी में ऑलरेडी कोई ना कोई इश्यू जो है वो हो रखा हुआ है, ठीक है। उसको कोई बॉडी इन्फॉर्मिटी है, उसकी बॉडी में कोई डिसीज है, उसकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, और आपको पता है कि मैंने उसी एरिया पे उसी पॉइंट पे उसी डिसीज पे अगर मैंने उसको हिट किया, ठीक है, तो इसकी डेथ होने के चांसेस क्या है, यहां पे ज्यादा है, यानी मेरी उसकी डेथ कॉज करने के यहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी अपने अटेम्प्ट में यहां पे। तो यही आपको एक्सप्लेनेशन वन में ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू इसका इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 299 के एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 299 में आपको क्या दिया हुआ है कि अब देखो 299 आपका यह बोलता है कि मैंने जितेंद्र मीना जी को हिट किया, ठीक है, मैंने जितेंद्र मीना जी को हिट किया, मैं उनकी डेथ कॉज करना चाहती थी, उनको टाइम से प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट जो है, प्रॉपर मेडिकल अटेंशन जो है वो नहीं मिल पाया यहां पे। यही बात आपको एक्सप्लेनेशन टू के अंदर में बताई गई है, ठीक है, कि सामने वाले को आप ये नहीं बोल सकते कि यार हमने तो हॉस्पिटल के सामने ही देखो सामने वाले को शूट किया, हमको लगा हॉस्पिटल के सामने गोली मार रहे हैं, ठीक है, दो मिनट में तो पहुंच जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, यहां पे डेथ कैसे कॉज होगी। प्रॉपर रेमेडीज उसको मिले या ना मिले उससे आपकी लायबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। दैट इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन थ्री आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक महिला के वूम्ब में, यानी उसने अभी बच्चे को डिलीवर नहीं किया है, शी इज स्टिल प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड, ऐसे बच्चे की अगर आप डेथ कॉज करते हो किसी मदर के वूम में, किसी महिला के वूम में, तो क्या वो होमिसाइड माना जाएगा? तो एक्सप्लेनेशन थ्री सेज कि नहीं, वो आपका एक होमिसाइड नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसमें आपके जो इलस्ट्रेशन है 299 के वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो जो टर्फ वाला इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को आपको पढ़ के जाना है, वहां पे भी आपका प्रिलिम्स का क्वेश्चन काफी बार बनता है। बिहाइंड द बुश वाला जो इलस्ट्रेशन है और शूटिंग वाला जो इलस्ट्रेशन है, ये सारे ही इलस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ओके। इसके तीनों जो एक्सप्लेनेशन हमने देखे हैं 299 के, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 300 में लाइक आई वॉज टेलिंग, मर्डर की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, मर्डर आपका अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। मर्डर क्या है? एक पार्ट है, एक सबसेट है, किसका? कल्पेबल होमोसाइड का। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटेंशन पे, आपके एक्ट पे, आपके नॉलेज पे कि वो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा कि वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। अब सेक्शन 300 और 299 को कंपेयर करो तो दोनों सेक्शंस में कोई अलग अलग बातें नहीं लिखी हैं। जो अभी हम 299 में डिस्कस करके आ रहे हैं वही 300 में भी लिखा है, क्योंकि 300 का पहला पॉइंट भी वही बोलता है कि आपने सामने वाले को हिट किया, आपने कोई ऐसा एक्ट किया यहां पे जहां पे आप उनकी डेथ कॉज करना ही चाहते थे, आपका सीधे सीधे इंटेंशन था कि मैं मारूं और इसकी डायरेक्ट डेथ वहां पे कॉज हो जाए। दैट इज सेम थिंग जो 299 में दिया है वही आपका 300 के अंदर भी दिया है। डिफरेंस लेकिन कहां पे आएगा? डिफरेंस आएगा आपके इंटेंशन में, आपके एक्ट के ऊपर ही, कितनी प्रोबेबिलिटी से वहां पे हिट किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकेंड वाला पॉइंट है, सेकेंड वाले पॉइंट में भी सेम चीज दी है कि आपको पता है कि सामने वाले पर्सन की बॉडी में कोई इंजुरी है, कोई डिसीज है, कोई डिफॉर्मिटी है। आपको पता है कि मैंने इस पार्ट पे अगर इसको हिट किया, मैंने इस पार्ट पे अगर इसको इंजोर किया, इसके डेथ होने के चांसेस है यहां पे, ठीक है। वही आपका सेकंड पॉइंट जो कि 299 में आपका दिया है। थर्डली वाला पॉइंट आपका क्या बोलता है? अगर इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजुरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लेक्टेड इज सफिशियंट इन द ऑर्डनरी नेचर ऑफ कोर्स टू कॉज डेथ। अब एक बात बताओ कि अगर मैं
किसी पर्सन के गले पे जाके तलवार से बुरी तरीके से काटूं, कितनी गारंटी है, कितने चांसेस हैं कि वो पर्सन की डेथ होगी ही होगी? आप गए, आपने तलवार ली, ठीक है, आपने कोई छोटा सा चाकू भी नहीं लिया है, आपने ली है तलवार और सीधे जाके उसके गले पे आपने मारा वहां पे जाके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसकी डेथ होगी होगी वहां पे? मर जाएगा, राइट? ऑब्वियस सी बात है, मर जाएगा. तो ऐसे एक्ट, ठीक है, ऐसे एक्ट जो आपको पता है कि ऑर्डिनरी नेचर, यानी एक ऑर्डिनरी नेचर का जो पर्सन होगा, यूजुअल सर्कमस्टेंसेज में अगर आप ऐसा एक्ट किसी भी पर्सन के साथ करोगे तो वो उसकी डेथ कॉज करने के लिए काफी है. जैसे कि आपने तलवार से जाके उसके बॉडी पे मारा, या फिर आपने उसको पॉइंट ब्लैंक से, मैं सीधे आई और मैंने किसी पर्सन के डायरेक्ट यहां पे शूट किया, दूर से भी नहीं एम कर रही हूं मैं, सीधे सामने खड़े होकर मैं शूट कर रही हूं, ठीक है, वहां पे भी पर्सन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका थर्डली वाले क्लॉज में आ जाएगा, ठीक है. फोर्थ वाला क्लॉज आपका क्या बोलता है? फोर्थ वाला क्लॉज आपका ये बोलता है, आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि डेंजरस एक्ट है, इतना ज्यादा डेंजरस एक्ट है वो कि वो किसी भी प्रोबेबिलिटी में क्या करेगा, सामने वाले की डेथ कॉज करेगा. इसको इस तरीके से समझो, एक बहुत ही भरा मार्केट प्लेस है, ठीक है, लेट्स से आपका क्या बोलना चाहिए, दिल्ली का सरोजनी एरिया है, दिल्ली का सरोजनी नगर है, या फिर दिल्ली का लाजपत एरिया का मार्केट है, ठीक है, फुल भीड़ भड़क्का वाला एरिया, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा पब्लिक, चलने फिरने की भी जगह नहीं होती है. ऐसे एरिया में आप 120 की स्पीड पे अगर गाड़ी दौड़ाते हुए लेके जाओगे, ठीक है, कितने चांसेस हैं कि वहां पे किसी ना किसी पर्सन की तो आप डेथ कॉज करोगे ही करोगे, या ऐसी इंजुरी उनको पहुंचाओगे जिससे हो सकता है सामने वाले पर्सन की डेथ वहां पे हो जाए, ठीक है. तो ये वाला है, ये वाला आपका आएगा फोर्थ वाले पॉइंट में, फोर्थली पॉइंट जो है, जो 300 का, कि भाई आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि इतना डेंजरस एक्ट है, वो इतना खतरनाक एक्ट है कि वहां पे सामने वाले की डेथ होने के चांसेस हैं वहां पे पूरे, ठीक है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक इलस्ट्रेशन जो है आपका काफी बार क्वेश्चंस के फॉर्म में, प्रिलिम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है. हाँ, शादी में फायरिंग, ठीक है, ये सारे वही एग्जाम्पल यार, कि पब्लिक पूरी मौजूद है, आपको पता है कि आपका जो एक्ट है वो एक तरीके का डेंजरस एक्ट है वहां पे, ठीक है. अब एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन जो प्रिलिम्स में काफी बार आपसे पूछा भी जाता है, एक लड़के को भूत बाधा टाइप की हुई है, ठीक है, लोगों का ऐसा बोलना है कि इस पर्सन को जो है वो भूत आते हैं, इस पे आत्मा चढ़ गई है, ब्ला ब्ला ब्ला. बुलाया जाता है किसको? एक प्रीस्ट को बुलाया जाता है, ठीक है, एक पंडित को बुलाया जाता है, और ये परफॉर्म करते हैं उस बच्चे के ऊपर क्या, एक्सॉर्सिज्म, यानी कि उससे भूत आत्मा वगैरह जो है उनको निकालने की कोशिश वगैरह करना, ओके. इन्होंने बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, बच्चे को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हिट किया और बच्चे की यहां पे डेथ हो गई, क्या ये पर्सन लायबल माना जाएगा? क्या ये पर्सन लायबल माना जाएगा? बिल्कुल लायबल माना जाएगा, ठीक है. ये वाला कौन से पॉइंट में आएगा? लाइकली टू कॉज डेथ वाले केस में आएगा, ठीक है. आप मार रहे हो, आप बुरी तरीके से मारपीट रहे हो बच्चे को, ठीक है, वहां पे आपका इंटेंशन जो है, आपका जो एक्ट है वहां पे, वो इस तरीके का एक्ट है जहां पे लाइकली टू कॉज डेथ वाले चांसेस हैं, यानी कि वहां पे अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, सामने वाले पर्सन की जो है वो डेथ कॉज कर सकते हो. तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, यही कुछ, हाँ, स्नेक बाइट वाला जो आपका एग्जांपल है कि भाई आप खुद को जाके सामने वाला जो है वो आपको बोल रहा है कि आप ये सांप से जो है वो कटवा लो, ठीक है, सांप के काटने से यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होगा, सांप के काटने से कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान आपको पहुंचेगा, मैं आपको बचा लूंगा. अगेन, एक ऐसा एक्ट है जिसमें लाइकली टू कॉज डेथ के चांसेस हैं, किसी के पास भी ये सुपर पावर नहीं है कि आपको सांप के काटने से बचा ले, या सांप के काटने से आपकी डेथ ना कॉज हो, उससे वो आपको बाहर लेके आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो ये भी आपका कहां आता है? लाइकली टू कॉज डेथ वाले केस में ही आता है, ठीक है. अब ये सेक्शन में ये जो वर्ड्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, सफिशियंट इंजुरी टू कॉज डेथ हो गया, इमिनेंटली डेंजरस हो गया, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. अब अगर हम केस लॉस की बात करते हैं तो देखो, एक इंपॉर्टेंट केस तो आपका कौन सा है यहां पे, घसीराम वर्सेस स्टेट का जो केस है आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में. कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का डिफरेंस कौन से केस में बताया है, जल्दी से ये बता दो. कल्पेबल होमोसाइड मर्डर का डिफरेंस कौन से केस में बताया है वो जल्दी से बता दो, वो भी काफी बार आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर.
आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है। तो एक दूसरा केस आपका कौन सा हो गया, आर वर्सेस गोविंदा का केस हो गया। आर वर्सेस गोविंदा का केस आपका क्या है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और मर्डर के बीच का डिफरेंस यहां पे आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद इसी चीज को जो आपका आर वर्सेस गोविंदा के केस में जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस बताने के लिए, उसको कौन से केस में अपहेल्ड किया गया था, सो दैट वॉज योर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनया का जो केस है, ठीक है। तो ये तीसरा केस है जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। चौथा केस केएम नानावती, जो आपके एक्सेप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो एक्सेप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी स्टूपिड सा केस था वो, हम सबको पता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वहां पे हुआ नहीं था, दिखाया वही था कि भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपका वही है कि आप जाओ और सामने वाले को कुछ इस तरीके की बातें बोलो, ठीक है, इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस बोलो, जैसा केएम नानावती के केस में आपका दिखाया भी है कि भाई वाइफ जो है वो बताती है कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। ये जो रुस्तम नहीं यार क्या नाम होता है उनका, पादरी पावरी कुछ ऐसे ही नाम होता है, जो भी केएम नानावती थे, ठीक है, वो जाते हैं वहां पे उनके साथ जिनके साथ उनकी वाइफ के जो है वो रिलेशंस होते हैं, उनके पास वो जाके पूछते हैं कि क्या आप मेरी वाइफ के साथ शादी करेंगे, और उसके बाद जो आहूजा होते हैं उसमें उनका रिप्लाई कुछ इसी तरीके का आता है कि क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं फिजिकली रिलेशंस बना के रहता हूं। तो ये यहां पे इस केस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो डिफेंस है वो लेने की कोशिश की गई थी। देखो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपका तब आता है जब एकदम से आपको कोई ऐसी चीज बोल दी जाए जिससे आप एकदम प्रोवोक हो जाओ, एकदम एक्साइटेड हो जाओ आप, और आपको वहां पे एकदम कूल डाउन होने का, ठीक है, अपने वापस सेंसेस में वापस आने का टाइम ही ना मिले, तुरंत सामने वाले ने आपको प्रोवोक किया, आपको गुस्सा दिलाया और आपने एक्ट कर दिया, वहां पे आपके पास कूल डाउन होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो दैट इज व्हाट योर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो आपका एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस है यहां पे आपका पलानी गोंडंस का जो केस है, ठीक है, पलानी गोंडंस का केस भी यहां पे ध्यान रखना। पलानी गोंडंस के केस में यहां पे क्या हुआ था, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा, उसको लगा कि वाइफ को हिट करने की वजह से इतनी बुरी तरीके से वाइफ की जो है वहां पे डेथ हो गई है, ठीक है। अब इनको लगा कि यार डेथ हो गई है, ऐसे देखेगा कोई भी तो यही समझेगा कि मैंने ही मर्डर किया है, तो मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए और एविडेंसेस सबूत वगैरह मिटाने के लिए ये क्या करते हैं, ये जाके वाइफ को लटका देते हैं, ठीक है, ये वाइफ को लटका देते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैंने मर्डर नहीं किया है, वाइफ की जो डेथ है वो सुसाइड के चक्कर में यहां पे हुई है, ठीक है। बाद में एक्चुअल में पता चला जब पोस्टमार्टम आपका आया तो पलानी गोंडंस केस में यही पता चला था कि जब इन्होंने वाइफ को मारा तो वो मरी नहीं थी, ठीक है, वो तब भी जिंदा थी, जो इन्होंने लटकाया उसको बाद में उससे एक्चुअल में उसकी डेथ हुई थी वहां पे, इनको लगा कि वाइफ पहले ही मर गई है इसलिए उन्होंने लटका दिया, लेकिन वो एक्चुअल में उसकी डेथ वहां पे कॉज नहीं हुई थी। अब इस केस में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, ये मर्डर होगा कि ये कल्पेबल होमोसाइड होगा, जल्दी से आंसर करो, इसे मर्डर मानेंगे कि इसे कल्पेबल होमोसाइड मानेंगे, पहले ग्रीवियस हर्ट आपका बोला गया था लेकिन बाद में ग्रीवियस हर्ट हटा दिया गया था, बाद में द डिस्प्यूट वॉज ये कल्पेबल होमोसाइड होगा कि ये मर्डर होगा आपका। कल्पेबल होमोसाइड, एब्सोल्युटली करेक्ट सूफी फॉचर, कल्पेबल होमोसाइड इस केस में माना गया था, क्यों, क्योंकि हस्बैंड का इंटेंशन और नॉलेज यहां पे, देखो उनको तो लगा कि वाइफ की पहले ही डेथ हो चुकी है ना, जो उन्होंने वाइफ को पहले हिट किया, मारा इतनी जोर से, उनको लगा कि वाइफ की पहले ही डेथ हो चुकी है, तो यहां पे जो उन्होंने दूसरा एक्ट किया वाइफ को लटकाने के लिए, तो यहां पे इंटेंशन और नॉलेज सामने वाले का बिल्कुल भी सही नहीं था, हस्बैंड की नजर में क्या था, उनके हिसाब से वाइफ जो है वो पहले ही मर चुकी थी, सिर्फ सुसाइड दिखाने के लिए उसको उन्होंने लटकाया, अब उसकी एक्चुअल में डेथ जो है वो लटकाने से ही हुई, लेकिन यहां पे इंटेंशन और नॉलेज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो कोर्ट ने यहां पे सेम चीज बोली थी कि ये आपका क्या नहीं माना जाएगा, ये आपका कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, इसको हम मर्डर जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस एक और इंपॉर्टेंट है आपका, कहां पे लिख दूं मैं, यहां पे लिख देती हूं, ठीक है। दूसरा केस आपका इंपॉर्टेंट है विच इज वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको मर्डर कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड पता होने चाहिए, ठीक है। वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या किया है, जो सेक्शन 300 का आपका क्लॉज नंबर 3 है, ठीक है, उसको इलैबोरेट किया गया था।
वहां पे कोर्ट ने वीरसा सिंह के केस में आपके कुछ पॉइंट्स दिए थे. पॉइंट्स जो है अगर लिख पाओ तो छोटे में लिख लो, ठीक है. वीरसा सिंह के केस में कोर्ट ने यह बोला था कि सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में अगर डेथ कॉज की गई है, ऐसा हम कब मानेंगे? ऐसा हम तब मानेंगे जब कुछ चीजें मौजूद हों, जब कुछ पॉइंट्स वहां पे मौजूद हो. पॉइंट्स आपके ये थे कि पहले तो क्या होनी चाहिए, किसी तरीके की वहां पे इंजुरी कॉज की गई हो वो होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले तो आपने इंजुरी कॉज की हो. दूसरा, किस तरीके की इंजुरी कॉज की गई है. भाई आपने सामने वाले का गला काटा, आपने उसको गोली मारी, आपने उसको जलाने की कोशिश की, किस तरीके का नेचर क्या है इंजुरी का, वो भी देखना है, ठीक है. दूसरा, आपका वहां पे इंटेंशन क्या था. सामने वाले को जब आप ये इंजुरी पहुंचा रहे थे तो आपका वहां पे इंटेंशन क्या था, क्या वो इंजुरी सफिशिएंट थी सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए. तो ये सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो, अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है कि कोई सा केस आपका सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में जो है वो फॉल करे, ठीक है. एक्सेप्शन 1 मैंने बता दिया है. सेक्शन का एक्सेप्शन 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको ध्यान रखना है, उकसाया जा रहा है आपको किसी भी वर्ड्स के थ्रू, किसी भी जेस्चर के थ्रू, ठीक है. केएम नानावती का केस ध्यान रखना कि देखो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस आपको तब मिलता है जब सामने वाले को एकदम इंसाइट किया गया, उसको प्रोवोक किया गया और उसको कूल डाउन होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, ठीक है. एकदम विद इन सेकेंड्स, मिनटों में वहां पे चीजें खत्म भी हो गई, ठीक है. कूलिंग ऑफ पीरियड आपको नहीं मिलना चाहिए कि आप वापस अपने सेंसेस में आ पाते, सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, वो हुआ ही नहीं वहां पे. तुरंत प्रोवोक हुए, तुरंत वहां पे आपने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया, ठीक है. दूसरा, यहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि प्रोवोकेशन जो है वो ओबीडियंस ऑफ लॉ के उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है. पब्लिक सर्वेंट जब अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, लॉफुल एक्सरसाइज में वो कोई सी चीज कर रहा है, वहां पे भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का आपको नहीं मिल सकता डिफेंस, ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 301 के ऊपर. 301 में आपसे पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस आपका कहां पे दिया हुआ है, ठीक है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस आपका दिया हुआ है कहां, आपका दिया हुआ है सेक्शन नंबर 301 के अंदर. अब देखो सिंपल सी बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस आपका ये बोलता है, मैं मारने गई जितेंद्र जी को, गलती से मर गई वैशाली, ठीक है, वही बात है. अब यहां पे आप ये डिफेंस लेके नहीं जा सकते कि यार देखो मैं तो जिसको मारना चाहती थी वो पर्सन तो मरा ही नहीं, ठीक है, जिसकी मैं डेथ नहीं कॉज करना चाहती थी उसकी डेथ यहां पे कॉज कर दी गई. कोर्ट बोलता है, लॉ बोलता है कि इससे आपकी लायबिलिटी पे कोई भी असर जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है. तो यहां से ट्रांसफर ऑफ मैलिस का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे बनता है, ठीक है. एक्स को मारना चाहते थे, गलती से वाई जो है वो यहां पे मर गया, ये आपका कोई भी डिफेंस नहीं माना जा सकता. इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां पे बोला जाता है कि आपका जो मेंस रिया था या आपका जो मैलिस था किसी पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से आप इंटेंशन या नॉलेज रखते थे, आप कोई एक्ट कर रहे थे उनकी डेथ कॉज करने का, वो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, एक पर्सन से दूसरी पर्सन पे ट्रांसफर हुआ है, डेथ तो आपने अभी भी कॉज की ही है वहां पे, तो डेथ कॉज करने के लिए तो आप लायबल माने ही जाओगे. ये डिफेंस आपको नहीं मिलेगा कि आप मारना किसी को चाहते थे और मर वहां पे कोई और गया, ठीक है. सेक्शन नंबर 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर आपको दिया हुआ है. यहां पे दो केसेस आपको ध्यान रखने हैं. एक तो है आपका बच्चन सिंह का केस, डेथ पेनल्टी वाला, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल जो है, और दूसरा है आपका मच्छी सिंह का केस, ठीक है. ये दो केसेस यू हैव टू रिमेंबर किस सेंस, उसमें सेक्शन नंबर 302 के उसमें एक और केस है यहां पे, जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये तीन केसेस ध्यान रखने हैं मर्डर की पनिशमेंट से रिलेटेड 302 से. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आपको ध्यान रखना है. बच्चन सिंह में आपको पता ही है कि देखो आप डेथ पेनल्टी की सजा दी है तो देनी तो पड़ेगी, लेकिन डेथ पेनल्टी की सजा में पहले यह लिखा हुआ था कि शैल वर्ड आपका यूज किया गया था कि डेथ पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, यानी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं था. इस शैल को हटा के क्या किया गया था, मे वर्ड आपका लाया गया था और यह बोला गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होंगे जहां पे बहुत ही भयानक तरीके से कोई ऑफेंस किया गया है, सीरियस या हीनियस ऑफेंसेस जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि आपका निर्भया गैंगरेप केस हो गया, मतलब एकदम ही बहुत ही घिनौना टाइप का अपराध आपने अगर किया है, समथिंग जो कि सोसाइटी को अलग लेवल पे शॉक करके चला गया है, ठीक है, ऐसे केस में क्या दिया जाएगा, आपको डेथ पेनल्टी दिया जाएगा. अभी आपका एक और केस आया है, मुझे नहीं पता अगर आप लाइव लॉ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं. लाइव लॉ पे मैंने केस पढ़ा था, एक पर्सन को लोअर कोर्ट ने
डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई थी, बाद में उसने अपील किया अलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिसेंटली, अभी 4-5 दिन पुराना ही जजमेंट है, अलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस पर्सन की डेथ पेनल्टी कंफर्म की है, सेम चीज बोलते हुए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वो केस जो है वो फिट कर रहा है। ठीक है, पर्सन ने वहां पे ये किया था, अपनी वाइफ, अपने दो बच्चे और पड़ोसी की वाइफ और उसका जो हस्बैंड था उनकी वहां पे डेथ कॉज की थी। जिस तरीके से डेथ कॉज की गई थी, जो इंटेंशन, जो नॉलेज था सामने वाले के पार्ट पे, वो यही बोला गया था कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपका फिट पूरा बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 303 में आपके लिए इंपॉर्टेंट केस कौन सा हो जाता है, मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है, मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वो आपको सेक्शन नंबर 303 में ध्यान रखना है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था वहां पे, कि यहाँ पे 303 में वही जो मैं बता रही थी, शैल पनिश्ड विथ डेथ की जो बात की गई थी वो लिखा था, जुडिशरी के पास से बिल्कुल भी, जुडिशरी के पास बिल्कुल भी डिस्क्रिशन नहीं था वहां पे, तो वो डिस्क्रिशन जो है वो हटा दिया गया था, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के रिमूव किया था। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 304A पे, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अभी शाम को ही आपका सुप्रीम कोर्ट का एक कोई डिसीजन आया है, मैंने देखा था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर डेथ जो कि कॉज की जा रही है आपके हॉस्पिटल के अंदर, हर डेथ मेडिकल नेग्लिजेंस हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो जो आपका मेडिकल नेग्लिजेंसी का पॉइंट होता है वो आपका इस सेक्शन के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंसी का जो आपको वो होता है वो 304A में आपको दिया हुआ है, ग्रॉस नेग्लिजेंस का भी पॉइंट आपका वहीं पे है। इसके बाद 304B, डाउरी डेथ की बात की गई है। डाउरी डेथ में आपके कुछ पॉइंट स्पेसिफिक है, उनको मार्क कर लो, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो 304B में आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं, कि देखो किसी भी महिला की क्या की गई हो, डेथ जो है वो कॉज की गई हो, कितने टाइम में कॉज की गई हो, तो विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज जो है वो कॉज की गई हो। ठीक है, कॉज किसके द्वारा की गई हो, सॉरी कॉज कैसे की गई हो, अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में नहीं, वहां पे जो है आपकी डेथ जो है वो कॉज की गई है, किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा या फिर उनके रिलेटिव्स के द्वारा, और किस रीजन की वजह से, डाउरी के रीजन की वजह से। तो ये सारे आपके इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है। डाउरी डेथ से एक और आपका क्वेश्चन ऐड होता है कि ये प्रोविजन आईपीसी में कब ऐड किया गया था, तो 1986 यहां पे ध्यान रखना, और 100B एविडेंस एक्ट का यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक 1-2 साल पहले, आई थिंक लास्ट ईयर, डाउरी डेथ के ऊपर भी आपके जो पुराने चीफ जस्टिस हैं एनवी रमना, उनका भी एक जजमेंट है, क्योंकि 304B में जो वर्ड यूज किया गया है सून बिफोर हर डेथ, तो ये सून बिफोर हर डेथ क्या होता है, ये 304B का उस केस में, उस जजमेंट में समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है कौन से वाले केस पे, देखो 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, इसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन आपका दिया हुआ है, रिमेंबर दैट, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात की गई है, यहां पे सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान रखो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन में। 309 पे आ जाओ, नाउ 309 इज इंपॉर्टेंट, 309 में आपको दिया है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में। ठीक है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको ध्यान रखना। देखो 309 में आपको बताया है, एक तो आपका मारुति केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक आपका पी रथिनम का केस इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया था पी रथिनम केस में, फटाफट बता दो, पी रथिनम केस में क्या बोला गया था, दो केस हैं, एक है पी रथिनम का केस और एक है आपका ज्ञान कौर का केस। क्या बोला गया था दोनों केसेस में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है, राइट टू डाई के बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो पहले पी रथिनम के केस में क्या बोला गया था कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले पी रथिनम के केस में आपका बोला गया था कि राइट टू लाइफ जो होता है उसमें क्या है, राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है, यानी अगर मुझे जीने का हक है, अगर मुझे जीने का हक है तो मुझे अपनी लाइफ लेने का भी हक है, मुझे अपनी जान लेने का भी हक है। ये पहले पी रथिनम के केस में बोला गया था, बाद में इसको ओवर रूल किया था किसमें, ज्ञान कौर के केस में। ज्ञान कौर के केस में बोला था कि देखो सेक्शन नंबर 21 जो है आपका, वो पूरी तरीके से आपकी राइट टू लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, राइट टू लाइफ का मतलब कहीं
भी ये नहीं है कि आपको मरने का या अपनी खुद की जान लेने का राइट जो है वो दे दिया जाए. स्टेट की ये ड्यूटी नहीं है. स्टेट की ये ड्यूटी है, वो राइट आपको इसलिए दिया गया है कि स्टेट बेटर से बेटर कोशिश कर सके कि कैसे किसी भी पर्सन की एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ को जो है वो बेटर बनाया जा सकता है. तो राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, वो आपका बोला गया था किसमें, ज्ञान कौर के केस में. उसके बाद इसमें और भी आपके इंपॉर्टेंट केस आए हैं, अरुणा शाहबाग का केस हो गया, कॉमन कॉज का जो केस है आपका वो हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट केस है. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 309 के केस में, कि यार कोई पर्सन अगर इस तरीके की एक्टिविटी करने के बारे में सोच रहा है, यानी अपनी खुद की जान लेने की कोशिश करना, सुसाइड कमिट करना एक आसान चीज नहीं है. तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से यही समझाने की कोशिश की गई थी कि सामने वाले का जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, या वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में होगा, वो समझने की कोशिश करो कि उसको इस लेवल का स्टेप लेना पड़ा कि वो अपनी डेथ जो है वो कॉज करना चाहता था. तो मेंटल हेल्थ केयर में आपको वही बोला गया था कि ऐसे लोगों को एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा, जहां पे उनकी ये जो स्टेट ऑफ माइंड है उसे क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके. पैथिव यूथेनेशिया का पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें पैथिव यूथेनेशिया आपका अलाउ किया जा सकता है, ठीक है. 310 ठग के बारे में आपको बताया है, ये सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ठग आपका कहां दिया है, 310 में दिया है, इतना ध्यान रखना, ठीक है. 312 कॉजिंग मिसकैरेज के बारे में बताया है कि किसी भी महिला के साथ अगर आप वॉलंटरली क्या करने की कोशिश करते हो, उसका मिसकैरेज कॉज करने की कोशिश करते हो, जो कि गुड फेथ में नहीं किया गया है, जो कि महिला की जान बचाने के लिए नहीं किया गया है, बट सिंपली आप जो है वो बच्चा गिरवाना चाहते थे, और बच्चे गिराने के पीछे रीजन ये नहीं था कि महिला की जान बचानी थी, उसके फायदे के लिए था, उसके बेनिफिट के लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो आप कॉजिंग मिसकैरेज के लिए लायबल मान लिए जाओगे, ओके. उसके बाद 317 आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट. तो 317 में देखो आपको बताया है कि अगर 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, उसके माता या पिता, ठीक है, यानी कि उसके पेरेंट्स, या फिर कोई भी पर्सन जिसकी केयर में उस बच्चे को रखा हुआ है, जिसके लॉफुल चार्ज में वो बच्चा है, आप अगर उनको इंटेंशनली किसी ऐसी जगह पे छोड़ देते हो, अबैंडन कर देते हो, या ऐसी सिचुएशन में उनको अब्यूज, ऐसी सिचुएशन में उनको जो है वो एक्सपोज करके जाते हो, ठीक है, तो यहां पे 317 के अंदर आप जो है वो लायबल मान लिए जाओगे, ओके. इसके बाद 319 हर्ट के बारे में आपको बताया है, इसमें कुछ वर्ड्स मार्क कर लो जो कि इंपॉर्टेंट है. यहां पे तीन चीजों के बारे में आपको बताया है, एक है बॉडीली पेन, एक है आपका बॉडीली पेन, एक है आपका डिसीज, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है. ये तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फॉर्मिटी, ठीक है. इन तीनों चीजों के बेसिस पे क्या किया जाता है, सेक्शन 319 के अंदर आप किसी को हर्ट पहुंचाते हो. अब सेक्शन 320 की अगर हम बात करते हैं, 320 में आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं. अब अगर सारे के सारे 8 पॉइंट्स जो हैं वो आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि प्रिलिम्स में काफी बार एक ऐसा एमसीक्यू भी बनता है आपका कि चार ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस में आपसे पूछेंगे कि यार इसमें से कौन सा क्या है जो ग्रीवियस हर्ट नहीं माना जाएगा, और इन 8 पॉइंट्स में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लास्ट वाला, कि आपने किसी को ऐसा हर्ट किया है कि वो 20 दिनों तक अपने नॉर्मल एवरीडे जो जॉब होते हैं, जो एवरीडे लाइफ में जो हम चीजें करते हैं वो नहीं कर पाया 20 दिन तक. तो एर्थ वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं. अब देखो ग्रीवियस हर्ट में आपको क्या क्या बताया है, इमैस्कुलेशन बताया है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट में आंख या कान को डैमेज के बारे में दिया है, फोर्थ में किसी भी पर्सन के जॉइंट्स वगैरह को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो, जॉइंट्स को इंपेयर करते हो, डिसफिगरेशन ऑफ फेस आपको बताया है, हड्डियां का तोड़ना या फिर दांत को तोड़ना बताया है, और एक और एड जो इसमें हुआ था आपका वो था एसिड अटैक का एडिशन, ठीक है, जो आपका 2013 का अमेंडमेंट किया गया था उससे आपका एसिड अटैक भी इसमें ऐड किया गया है कि किसी भी पर्सन के ऊपर अगर आपने एसिड फेंका, ठीक है, एसिड इस पर्पज से फेंका कि वहां पे उसको भी जो है हम क्या मान के चलेंगे, ग्रीवियस हर्ट आपका मान के चलेंगे. और जो लास्ट पॉइंट है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सामने वाले को एक ऐसा हर्ट पहुंचाया है, ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि वो इतने ज्यादा सिवियर बॉडीली पेन में था कि वो 20 दिनों तक क्या नहीं कर पाया, अपने नॉर्मल एवरीडे लाइफ में जो हम चीजें करते हैं वो वहां पे नहीं कर पाया. तो ये सारी चीजें आपकी क्या मान ली जाएंगी, ग्रीवियस हर्ट जो है वो मान ली जाएंगी, ओके. So guys, with that we come to the end of the session.
कल मिलेंगे हम एट द सेम टाइम. आगे के सेक्शंस जो है वो आपके रिज्यूम करेंगे. कल हम सब्सटेंशियल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. सो आई थिंक मंडे तक हमारा आईपीसी जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा. हम रिविजन करके जो है वो खत्म कर लेंगे. ओके, लाइक आई सेड, डू रिमेम्बर, वैकेंसीज आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं. तो मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग, जीके, करंट अफेयर्स, जितनी भी सारी चीजें आपको जुडिशरी में लगती हैं, मेंस आंसर राइटिंग हो, वो सब कुछ आपको इन स्मार्ट कोर्सेज में मिल रहे हैं. ठीक है, अफोर्डेबल है. मार्केट में कहीं भी जाके कंपेयर करोगे, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल मार्केट में आपके ये सारे कोर्सेज हैं. और सारे कोर्सेज में हम जो तीन चार फैकल्टी हैं, मैं हो गई, श्रीमी मैम हो गई, चांद सर हो गए, ठीक है, हम सब ने मिलके ये सारे लॉ सब्जेक्ट्स और ज्यादा डिटेल में अच्छे से पूरे बेसिक से आपको पढ़ाए हुए हैं. ठीक है, तो ओके, या थैंक यू, गुड नाइट, यू ऑल्सो हैव अ हैप्पी संडे. सो गाइज, कल मिलूंगी मैं आपसे, आई सी यू एट द सेम टाइम, सॉरी 7 PM. ठीक है, कल हम बाकी के सेक्शंस हमारे रिज्यूम करेंगे, आगे के जो हैं. और जो मैंने बोला, जो बीच के सेक्शंस हमने अभी लीव किए हैं वो मिसलेनियस हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम लास्ट डे पे मंडे को जो है वो कवर कर लेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल अगर आपने अभी तक नहीं किया है. किसी के कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, यू कैन ड्रॉप इट इन दी जो नीचे चैट बॉक्स दिया हुआ है, जो कॉमेंट सेक्शन है, वहां पे यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.